नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्याज पर घमासान, निर्यात पर रोक से महाराष्ट्र सरकार में नाराजगी देखने को मिली है। केंद्र से आदेश वापस लेने की मांग की गई है। जी हां, केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर महाराष्ट्र में बुधवार को विरोध जताया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्यात पर पाबंदी हटाने को लेकर केंद्र को पत्र लिखने की बात कही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इस कदम को किसान विरोधी, महापाप और अन्याय भरा कदम बताया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा, राज्य के मंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर रोक लगाने को लेकर रोष जताने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर केंद्र को पत्र लिखने की बात कही है। राज्य की गठबंधन सरकार से सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्र के इस निर्णय को किसान विरोधी और उन पर दबाव बढ़ाने वाला महापाप बताया है। रांगापा मुख्यालय पर एक बैठक में पवार ने कहा, केंद्र सरकार ने ऐसे समय पर प्याज के निर्यात पर रोक लगाई है जब किसानों को अच्छी कीमत मिल रही थी। यह पूरी तरीके से गलत है। यह बात साफ है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी रवैया अपना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्याज उत्पादक पहले से कोविड-19 की मार झेल रही है और अब केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर पाबंदी लगाकर उन पर और दबाव बनाने का महापाप किया है। अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।